अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप अपने टीवी मीडिया के ऊपर या फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर या फिर चलते गुजरते हुए बिलबोर्ड्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स के इश्तहारात देखेंगे जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, ये एड्स ही तो हैं जो हमारे दिमाग के अंदर इन प्रोडक्ट्स की खूबसूरत तस्वीर बनाकर हमें उस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि जब हम सामान ख़रीदने जाते हैं तो हमारी नज़र के सामने वही चीज़ें आती हैं जो हमने इश्तहारात में देखी होती हैं, और हमारे मुताबिक हाँ ये सही तो होगा क्योंकि इसका इश्तहार आया था या इसका इश्तहार देखा था। अब सब सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं और हर एक चाहता है कि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करे। हाँ, हम उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? हम जब मार्केट जाते हैं और हम अपना सामान लेकर आते हैं तो अक्सर प्रोडक्ट्स हम वो वाली ख़रीद कर लाते हैं जो कि इसराइली प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, हमारे मुल्क में हमारे मीडिया पे सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़ की जाने वाली प्रोडक्ट्स कोल्ड ड्रिंक से लेकर कॉस्मेटिक्स तक, कॉस्मेटिक्स से लेकर हमारे खाने पीने वाली अशिया तक, सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसराइली प्रोडक्ट्स हैं या फिर उन ममालिक के प्रोडक्ट्स हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जहाद करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जहाद भी नफ्स करना होगा। सिर्फ इस ज़ुबान के टेस्ट के लिए या अपने नफ्स को मुतमाइन करने के लिए क्या हम मुसलमान मुसलमानों के खून के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? अगर मुसलमान है, मोमिन है, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हम ऐलान बिलअमल करते हैं कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेंगे महज़ अपने ज़ुबान के जायके के लिए या अपने नफ्स की तस्कीन के लिए जो कि इसराइली प्रोडक्ट हो या उन ममालिक की जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे फ़ायदा पता क्या होगा? बेशक आप एक प्रोडक्ट ख़रीद के कहें कि चलो मेरे एक लेने से क्या होगा, लेकिन बिल्कुल एक भी नहीं ख़रीदनी। वही चीज़ें जो हमें पसंद थी या वही चीज़ें जो हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हीं को बदलना होगा। यही होता है अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसराइल जो जुल्म कर रहा है उनकी मार्केट वैल्यू लो होगी और उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाएंगे। और जब किसी को माली तौर पर नुकसान होता है और जिसकी जान माल में बसती हो, तो उससे बड़ा नुकसान उसके लिए कोई नहीं हो सकता। आप सोचें कि एक दुकानदार से अगर इलाके के लोग दुकान ही ना ख़रीदें तो उसकी दुकान तो बैठ जाएगी ना। तो अगर हम अपना एक एक प्रोडक्ट भी सोच समझकर ख़रीदेंगे, रिसर्च के बाद ख़रीदेंगे, तो फिर इससे हम अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको बताया गया है कि क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना। इससे पहले की ग्रॉसरी में हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते थे, लेकिन इस ग्रॉसरी को करते हुए तकरीबन 2.5 घंटे लगे क्योंकि बहुत मुश्किल था चीज़ों को डिफरेंशिएट करना। और अलग स्मार्ट है कि उन्होंने पैकेजिंग भी चेंज की, इसी वजह से था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और उनका लॉस ना हो। योर चॉइसेस एक्चुअली डिफाइंस योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड इज़ योर इम्पैक्ट। सो इम्पैक्ट पॉजिटिव विद योर एक्शंस एंड चॉइसेस। We are Muslims, we are humans, we are with Palestinians, we are one ummah. और हमें एक होने के लिए किसी रंग, नस्ल, बाउंड्री या लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम एक हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ग्रेट लीडर ने की है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। We feel same pain. We have to raise our voices by sacrificing our taste for the biggest sacrifice. मुसलमानों की बनी हुई अशिया या मुस्लिम ममालिक की बनी हुई अशिया को प्रमोट करें, अपने बच्चों को और अपने बड़ों को अवेयर करें ताकि वो जब प्रोडक्ट्स ख़रीदें तो उनको तमाम चीज़ों के हवाले से मालूमात हो। इसी तरह हम इसराइल का बायकॉट कर सकते हैं अमली तौर पे। दिस इज़ एन अवेयरनेस कैंपेन टू बायकॉट इसराइल फॉर फ्री पैलेस्टाइन। लर्न टू वर्थ योर सेल्फ मुस्लिम्स।